पूछताछ चलती है और 2.5 घंटे तक पूछताछ में ये सब बातें पूछी जाती हैं नूपुर मेहता से कि वो होटलों में क्यों रुकी हुई थी, वो क्रिकेटर के साथ क्यों दिखती है। ये बात सही है क्योंकि देखिए ये पहली बात नहीं है, नूपुर मेहता कई सारे क्रिकेटर्स को जानती है और ये बात उसने एबीपी न्यूज़ को भी बताई है कि कई बड़े बड़े नाम लिए हैं उसने। इससे पहले कभी नूपुर मेहता ने नाम नहीं लिए थे, इसमें कई सारे इंडियन क्रिकेटर है, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर है, इसके अलावा श्रीलंकन क्रिकेटर है, इन सभी के नाम लिए हैं उसने। और उसने ये कहा है कि वो इन लोगों को जानती है किशोर, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये लोग मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो या किस तरह से इन्वॉल्व हो, लेकिन उससे जब इस तरह के सारे सवाल पूछे गए कि क्या वो किन किन प्लेयरों को जानती है, तो उसने वो जिन जिन लोगों को जानती थी उन सारे प्लेयरों के नाम लिए हैं। इसमें कई सारे ऐसे नाम हैं जो सुन के लोग भी शायद चौंक जाएंगे कभी जब ये नाम सामने आएंगे, लेकिन उसने कहा है हमने ये भी पूछा था कि आप इन लोगों को कैसे जानती है, आप एक साथ जब इंडियन क्रिकेटर्स को जानती है या वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स को जानती है या श्रीलंकन क्रिकेटर्स को जानती है तो कैसे जानती है। तो नूपुर का कहना था कि एक सोशल सर्कल है जिसके जरिए वो जानती है, कई सारे खिलाड़ियों को किसी पार्टी में वो मिली है, कभी किसी पब में मिली है, कभी किसी खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी से उसको इंट्रोड्यूस करवाया था और ऐसे उनकी दोस्ती बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात उसने ये कही है कि अभी भी वो इन क्रिकेटर्स के साथ जो है उनके दोस्ताना ताल्लुकात है, लेकिन उसने ये भी कहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग सारे के सारे कोई मैच फिक्सिंग में शामिल है या किस तरह, क्योंकि उसका कहना था कि एक सोशल सर्कल भी होता है जिसके जरिए सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब टी ट्वेंटी के मैचेस हो रहे थे लंदन में, तब उसी होटल में वो रुकी थी और कई सारे क्रिकेटर्स के साथ वो लगातार दिख रही थी और उसका नाम भी उभर कर सामने आया था, अखबारों ने भी उसका नाम लिया था, लंदन के अखबारों ने भी उसका नाम लिया था कि कहीं ना कहीं नूपुर मेहता का संबंध इससे हो सकता है। तो इसीलिए ICC ये जानना चाहती थी कि आखिरकार नूपुर मेहता इतने सारे क्रिकेटर्स के साथ देखी जाती है, उसके इतने सारे क्रिकेटर्स के साथ दोस्ताना ताल्लुकात है, तो क्या उसके सट्टेबाजों के साथ भी ताल्लुकात है, क्या वो दोनों के बीच की कोई कड़ी है। ये सारी बातें थी जो ICC जानना चाहती थी और खास तौर पर इसके लिए जो ICC के एक एंटी करप्शन विंग के एक एलन पिकॉक जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो दुबई से यहाँ आए थे और आज उन्होंने करीब 2.5 घंटे तक ये सारे सवाल जो है नूपुर मेहता से पूछे हैं और नूपुर मेहता ने भी सारी की सारी बातें जो है वो उनके सामने खोल के रख दी है जो काफ़ी चौंकाने वाली है। जी उमेश, सिद्धार्थ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये और वो दूसरा सवाल ये कि लंदन के अखबार में तो सिर्फ तस्वीर आई थी और तस्वीर पे भी साफ नहीं था कि किसकी तस्वीर है। नूपुर मेहता खुद सामने आई, उन्होंने कहा ये मेरी तस्वीर है, उन्होंने कहा हाँ मैं जानती हूँ क्रिकेटर्स को, हाँ मैं इनको जानती हूँ, हाँ मैं इनको जानती हूँ, और हमारे साथ बातचीत में भी उन्होंने कई नाम लिए हैं जो कि हम नहीं बताएंगे क्योंकि उस सत्यता प्रमाणित की जा सकती। अगर कुछ गलत होता तो नूपुर मेहता इस तरह से आगे सामने क्यों आती, ये सवाल भी तो खड़ा होता है। या सवाल तो ये खड़ा होता है, लेकिन नूपुर मेहता से जो बात उमेश कुमावत ने की है उसमें नूपुर मेहता शक के घेरे में कैसे आती हैं इसका भी खुलासा वो करती हैं। नूपुर मेहता बताती हैं कि जब 2009 में T20 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा था और लंदन में वो मौजूद थी, तो वो उसी होटल में मौजूद थी जहाँ पर कई खिलाड़ी रुके हुए थे, जहाँ पर कई खिलाड़ियों को ठहराया गया था। और जब मैच के बाद या प्रैक्टिस के बीच में जब खिलाड़ी होटलों के उन कैसीनोज में जाते थे या फिर जो उनके रेस्टोरेंट्स और पब्स हुआ करते थे होटल के अंदर, वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर इन खिलाड़ियों के साथ नूपुर मेहता की मुलाकात होती थी। और उसी दौरान ICC की भी जो एंटी करप्शन यूनिट अपनी तरफ से जाँच कर रही थी, कुछ स्टिंग कर रही थी, कुछ उसके भी अंडरकवर एजेंट्स थे जो उस वक्त नज़र रखे हुए थे खिलाड़ियों पर और खिलाड़ियों से कौन लोग मिलते हैं, उसी सिलसिले में ये बात जो उमेश कुमावत को भी नूपुर मेहता ने बताई है उसी हवाले से मैं भी इसको समझ रहा हूँ। उसमें ये कहा है कि उस वक्त एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को देखा गया और बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसने फिल्में की है और अपनी फिल्म का वो जिक्र करती हैं और उसी के साथ वो संडे टाइम्स के उस अखबार की रिपोर्ट को भी ICC ने मिलाया जिसमें उस रिपोर्टर ने कहा है कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को हनी ट्रैप की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उनके बहाने जो है क्रिकेटरों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है और उसके बाद में फिक्सिंग का ये पूरा खेल चलता है जो रिपोर्ट में कहा गया था। उस लिहाज से, उस हवाले से, उस पूरे कनेक्शन से नूपुर मेहता कहती है कि वो शक के घेरे में आई है और इसीलिए ICC के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एलन पिकॉक है, इन्वेस्टिगेटिंग चीफ है, उन्होंने नूपुर मेहता से पूछताछ की है। नूपुर मेहता कहती है कि वो पाक साफ है, वो किसी भी बुकी को नहीं जानती, किसी पंटर को नहीं जानती, किसी का नाम तक उन्होंने कभी नहीं सुना। हाँ, खिलाड़ियों को वो जानती है और उन खिलाड़ियों के साथ उनकी मुलाकात जो है वो नेटवर्किंग के जरिए हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खिलाड़ियों से ऐसे नेटवर्किंग करने के लिए आपको हर वक्त उस वक्त उन तमाम जगहों पर हर वक्त मौजूद रहना पड़ेगा जहाँ पर ये खिलाड़ियों की उठक बैठक है या खिलाड़ी जो है जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर फ्रीक्वेंटली वो जाया करते हैं। तो क्या वजह है कि नूपुर मेहता ऐसी जगहों पर अक्सर जाती है, ये अपने आप में एक सवाल जो है वो ICC के इस अधिकारी के मन में भी होगा जिसको लेकर जाहिर तौर पर पूछताछ आज हुई होगी।
जी सवाल बिल्कुल बिल्कुल कई सवाल हैं ये, और ये बहुत अहम सवाल कि अगर दोस्ती ही थी तो दोस्ती ऐसी क्यों थी, और उस दोस्ती में इस हद तक क्यों जा रही थी? नुपुर मेहता क्यों नहीं होटलों में रुक रही हैं जहां पर क्रिकेटर्स ठहरे हुए हैं? कौन है नुपुर मेहता, इस पर भी नजर डाल लेते हैं एक बार। नुपुर मेहता से पूछताछ हुई है, बॉलीवुड फिल्मों की हीरोइन है, कुछ फिल्में की हैं नुपुर मेहता ने, मॉडल हैं, जो बोले सो निहाल चर्चित फिल्म रही और उसी फिल्म का एक सिल लंदन के अखबार में आया, तभी पहचान हुई और खुद नुपुर मेहता आ गए हैं कि हाँ ये वही हैं। कुछ विज्ञापनों में भी काम किया है नुपुर मेहता ने। नुपुर मेहता जिनसे आज पूछताछ हुई है, मैच फिक्सिंग में नाम आया नुपुर मेहता का और पूछताछ हुई है इस सिलसिले में कि क्यों वो उन होटलों में रुकी हुई थी। टाइम्स में लंदन में धुंधली तस्वीर छपी थी जिसमें चेहरा साफ नहीं था, लेकिन खुद नुपुर मेहता ने आके कहा कि हाँ ये उनका चेहरा है। विश्व कप सेमीफाइनल में फिक्सिंग का आरोप लगाया गया था 2011 में भारत पाक में जो मैच हुआ था।